अच्छा, तो जैसा कि आप सभी लोग इस पेट की एबिलिटी को देख सकते हैं, ये वाला पेट ऑटोमेटिकली रिवाइव कर रहा है, मतलब यानी कि अपने आप रिवाइव कर रहा है बंदों को। तो ये कैसे कर पा रहा हूँ, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री फायर गेम में आने वाले न्यू पेट की एबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद इस पेट की एबिलिटी को टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस पेट के साथ कौन से कैरेक्टर का यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगा, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं हुड पेट की एबिलिटी के बारे में, यानी कि इस न्यू पेट की एबिलिटी किस तरह से काम करती है। तो बैकग्राउंड के गेम प्ले में आप लोग देख सकते हैं, ए वाला पेट की एबिलिटी बहुत ज्यादा सिंपल है। ए वाला पेट जितने भी स्कैनिंग वाले डिवाइस या फिर जितने भी स्कैनिंग वाली एबिलिटी होती है, जैसे कि क्लू कैरेक्टर हो गया, हॉमर कैरेक्टर हो गया, मतलब जितने भी कैरेक्टर आपको फाइंड करके देते हैं, मतलब बंदों को फाइंड करके देते हैं, उसकी रेंज को 10 मीटर बढ़ा देती है। और उनका जो कूल डाउन टाइम है, उसका जो ड्यूरेशन होता है, जैसे कि हॉमर कैरेक्टर 5 सेकंड तक काम करता है, तो उसमें 2.5 सेकंड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये वाला पेट इस तरह से काम करता है। अब भाई आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इस पेट की एबिलिटी को टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आप लोग इस पेट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस पेट को मैक्स लेवल पर अपग्रेड कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं बैकग्राउंड में आपको दो गेम प्ले दिखा रहा हूँ, एक साइड में नॉर्मल गेम प्ले दिखा रहा हूँ, एक साइड में हुड पेट के साथ गेम प्ले दिखा रहा हूँ, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग नीचे एबिलिटी में चेक करिए, जो बिना पेट के साथ एबिलिटी है ना, उसकी जो एबिलिटी है वो जल्दी खत्म हो गई है, लेकिन दूसरे जिसके साथ मैंने पेट का यूज किया है उसमें 2.5 सेकंड अभी बचे हुए हैं। उसके साथ जब मैं इसकी रेंज का पता लगाऊं, मतलब यानी कि जो स्कैन कर रहा है ना, उसकी रेंज का पता लगाऊं, उसमें 10 मीटर बढ़ा भी देता है। चलिए मैं आपको क्लू कैरेक्टर के साथ दिखा भी देता हूं। तो आप लोग बैकग्राउंड में देखिए, मैंने क्लू कैरेक्टर के साथ हुड कैरेक्टर का यूज किया है, तो आप लोग देख सकते हैं एक साइड में क्लू कैरेक्टर की नॉर्मल एबिलिटी चल रही है और एक साइड में मैंने पेट का यूज किया है। तो आप लोग देखिए, मैं आपको मिनी मैप में दिखाता हूं, तो मिनी मैप में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना एक छोटा सा, मतलब एक सर्कल आ रहा है, मतलब एक सर्कल आ रहा है अलग टाइप का, जो लिप मतलब बार बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है। इससे पता लग रहा है कि इसकी जो रेंज है वो बढ़ा दी गई है। तो ये वाला पेट इस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं कि आप लोग इस पेट के साथ कौन से कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इस पेट के साथ होमर कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब होमर कैरेक्टर का क्यों करना है, क्योंकि होमर कैरेक्टर का जो ड्यूरेशन है ना, जो एबिलिटी का टाइम पीरियड है, वो 5 सेकंड है केवल। अगर आप इस पेट का यूज इस होमर कैरेक्टर के साथ करते हैं, तो उसका जो टाइम बढ़ करके 7 सेकंड हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा होता है। और अगर आप लोग होमर कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम कम करना चाहते हैं, तो जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप लोग बेस्ट वन टैप हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग जानना चाहते हैं, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।